हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पैराबोला का प्रॉब्लम नंबर 5 और ये बाय टेंजेंट मेथड हम ड्रॉ करेंगे। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमें पैराबोला का प्रॉब्लम कवर करना है उसका क्वेश्चन देखिए, ये कुछ ऐसा रहेगा। अ फाउंटेन जेट डिस्चार्जेस वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री टू द ग्राउंड। द जेट ट्रेवल्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। ट्रेस द पाथ ऑफ जेट, नेम द कर्व। तो क्वेश्चन आपके सामने है, पूरे क्वेश्चन में ड्रॉ अ पैराबोला ऐसा लिखा नहीं है। क्वेश्चन में अगर हम पढ़ेंगे तो लास्ट में लिखा है ट्रेस द पाथ ऑफ द जेट। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट्स जब भी ये पढ़ते हैं तो वहाँ पे कौन सा कर्व ड्रॉ करना ये वहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये आपको समझना है। तो ऐसे में यहाँ पे कंफर्म है कि पैराबोला बनेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है अ फाउंटेन जेट। यहाँ पे जब भी वाटर फाउंटेन, जब भी आप देखते होंगे वाटर फाउंटेन जब ग्राउंड से निकलता है तो वो पैराबोलिक पाथ में ही वो ग्राउंड में आता है रिटर्न। तो ऐसे में यहाँ पे पैराबोला बनेगा, ये कन्फर्म है। अब यहाँ पे जो पैराबोला बनेगा उसका जो बेस है वो 7.5 मीटर का बनेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है वाटर जेट जो यहाँ पे फाउंटेन है वो 7.5 मीटर हॉरिजॉन्टल इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है। और वो वाटर जेट फाउंटेन जो है वो 45 डिग्री के एंगल से निकल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। यहाँ पे टोटल हाइट नहीं दिया है, जनरली पैराबोला के प्रॉब्लम में बेस और हाइट दिया होता है, लेकिन यहाँ पे बेस तो दिया है लेकिन हाइट नहीं दिया है। तो चलो हम लोग ये प्रॉब्लम ड्रॉ करेंगे और ये प्रॉब्लम बाय टेंजेंट मेथड ड्रॉ करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ड्रॉ होगा। लेकिन ड्रॉ करते समय ये 7.5 मीटर उसका बेस दिया है, तो जाहिर सी बात है हम लोग स्केल लेके इसको सेंटीमीटर में लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्केल रहेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो आइए अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेस ले लेंगे, बेस जो कि 7.5 मीटर का दिया है, तो ये हमने 7.5 सेंटीमीटर लेके हम ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि स्केल लिया है हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 7.5 मीटर दिया है तो हम ड्रॉ करते समय 7.5 सेंटीमीटर बनाएंगे। तो ये हमने बेस बना लिए 7.5 और अब इसको हमने नेमिंग भी दे दिए ए बी। और अब 45 डिग्री का एंगल जो क्वेश्चन में दिया है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। क्वेश्चन में 45 डिग्री का एंगल दिया है तो हमने ए पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल ले लिया है। तो यहाँ लाइन बनाएंगे 45 डिग्री के, ये देखिए ये 45 डिग्री पे हमने लाइन बना लिए ए के तरफ से। अब हम बी के तरफ से भी एंगल 45 डिग्री का लेंगे क्योंकि दोनों साइड से 45 डिग्री का एंगल लेंगे। तो हम बी के तरफ से भी 45 डिग्री का एंगल लेंगे और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा। जो ट्रायंगल बनेगा वो एक्चुअली आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेगा। इधर का भी हम एंगल चेक कर लेंगे। तो देखो एंगल हमने दोनों साइड में 45 डिग्री ले लिए। हम इसको टेंजेंट मेथड से आगे चल के ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने ट्रायंगल बना लेंगे और अब ये ट्रायंगल के अंदर से होते हुए हमें पैराबोला ड्रॉ करना है। और ट्रायंगल के अंदर से होते हुए ड्रॉ करना है इसलिए हमें टेंजेंट मेथड ड्रॉ करना है। अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर मेथड अप्लाई करेंगे यानी ओब्लॉन्ग मेथड अप्लाई करेंगे तो वो ट्रायंगल के बाहर से जाएगा जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसका बेस यहाँ पे लिख लेंगे, बेस जो कि 7.5 मीटर जो मीटर में दिया है वो मीटर में ही लिखेंगे। आपको लिखते समय आपने ड्रॉ किए सेंटीमीटर में लेकिन आपको शो करते समय मीटर में ही शो करना है। तो ये हम शो कर रहे हैं 7.5 मीटर उसका बेस और ऊपर जो पॉइंट है पॉइंट सबसे ऊपर में ट्रायंगल में वहाँ पे हम पॉइंट ओ दे देंगे। यहाँ पे हम एंगल भी शो करेंगे 45 डिग्री का एंगल। दोनों साइड में एंगल शो करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक साइड में शो करेंगे तो भी चलेगा। ऊपर का हम पॉइंट ओ लिख लेंगे और अब ये OA और OB का लेंथ हम चेक करेंगे। तो हम इसका लेंथ चेक करेंगे, OB का लेंथ ये कुछ 5.3 सेंटीमीटर आ रहा है तो OA का लेंथ भी ये 5.3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये इसको डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है डायरेक्टली बाय यूजिंग स्केल, तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमें इसको मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक काम करेंगे इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कितना भी डिग्री का एंगल ले लो 5 सेंटीमीटर का इंक्लाइंड लाइन ले लेंगे। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर का लाइन ले लिए इंक्लाइंड और यहाँ पे 5 mm के 10 पार्ट्स लेंगे। इट मीन्स हम ये इंक्लाइंड लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 5 mm के 10
10 पार्ट्स। ये देखिए, ये हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए और अब लास्ट पार्ट सबसे पहले हम बी से ज्वाइन करेंगे। लास्ट पार्ट सबसे पहले बी से ज्वाइन करो और रोलर स्केल बिल्कुल उसी को पैरेलल चलने दो और सभी लाइंस उसी को पैरेलल आने दो। तो देखिए ट्रायंगल का जो साइड OB है वो हमारा 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट में डिवाइड करना ये चॉइस आपका है, या तो 10 पार्ट में डिवाइड करो, या तो 12 पार्ट में, या तो 15 पार्ट में, या तो जितने पार्ट में आपको लगता है उतने पार्ट में डिवाइड करो, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट में डिवाइड करना है। तो अब हम लेफ्ट में जो OA है उसको भी हम डिवाइड करेंगे, लेकिन OA भी डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसके लिए भी हम इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर से 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कितना भी डिग्री का एंगल ले लो, और 5 सेंटीमीटर का लाइन ले लिए और उसको हम 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 5 mm के 10 पार्ट्स। तो ये देखिए, अब ये फर्स्ट पार्ट को हम सबसे पहले A से ज्वाइन कर रहे हैं और रोलर स्केल उसी को पैरेलल चलने देंगे और सभी पार्ट्स जो है उसी को पैरेलल OA के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, OA 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने OA और OB जो डायरेक्टली स्केल से डिवाइड नहीं हो पा रहा था, तो इस तरह से हमने इंक्लाइंड कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। और अब हम यहाँ पे नेमिंग भी दे देंगे। नेमिंग देते समय एक साइड में नीचे से ऊपर दो तो दूसरे साइड में ऊपर से नीचे दो। तो यहाँ पे नेमिंग हम देंगे OA के ऊपर, जब हम नेमिंग देंगे तो नीचे से ऊपर दे देंगे, 1 2 3 4 इस तरह से नीचे से ऊपर, और OB के साइड में जब हम नेमिंग देंगे तो ऊपर से नीचे देंगे। तो ये देखिए, इधर लेफ्ट साइड में हमने 10 पार्ट्स और राइट साइड में भी हम 10 पार्ट्स शो करेंगे। नेमिंग हमेशा इसी तरह से दे देना है अपोजिट। तो ये देखिए, ये हमने मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट्स में OA और OB को डिवाइड कर लिए और अब हम ये 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6, 7:7, 8:8, 9:9 इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग स्केल। तो डायरेक्टली स्केल से आप 1:1, 2:2, 3:3, 4:4 ऐसा लास्ट पार्ट तक आप ज्वाइन करेंगे। तो ये टेंजेंट मेथड है। टेंजेंट मेथड यानी ही ये बहुत ही सिंपल मेथड है, टेंजेंट मेथड। तो ये टेंजेंट मेथड, क्योंकि ट्रायंगल से अंदर आना चाहिए, ट्रायंगल के अंदर से हमारा पैराबोला आना चाहिए, इसलिए हम लोग टेंजेंट मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हम रेक्टेंगुलर मेथड अगर अप्लाई किए होते तो ट्रायंगल के बाहर से पैराबोला बनता है, हमें बाहर से नहीं चाहिए, हमें अंदर से चाहिए इसीलिए। वैसे इसके पहले जो हमने वीडियोज़ अपलोड किए थे उसमें हमने बताए थे कि रेक्टेंगुलर मेथड कब अप्लाई करना, टेंजेंट मेथड कब अप्लाई करना। जनरली क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है कि कौन से मेथड से ड्रॉ करना। अब यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर से होते हुए हमें ड्रॉ करना था, इसलिए हमें टेंजेंट मेथड अप्लाई करना पड़ा। और वही इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किए थे उसमें एक हमें ट्रायंगल के बाहर से होते हुए ड्रॉ करना था, इसलिए हमने वहाँ पे रेक्टेंगुलर मेथड अप्लाई किए थे। तो कौन सा मेथड कब अप्लाई करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए, फाइनली सभी पार्ट्स हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं और लास्ट में ये पार्ट 9:9 ये भी हम ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये पैराबोला आपका पूरी तरह से बनके तैयार है। तो आज के वीडियो में जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन ये कुछ ऐसा बनेगा। तो इस तरह से आज का ये पैराबोला का प्रॉब्लम नंबर 5 यहीं पे कंप्लीट होता है। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने पैराबोला के 4 प्रॉब्लम्स कवर किए थे। अगर आपने इसके पहले के प्रॉब्लम्स कवर नहीं किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया है, आप वो सभी वीडियोज़ वहाँ से देख के इसके पहले के प्रॉब्लम स्टडी कर सकते हैं। और भी कई वीडियोस का लिंक दिया है जिसमें इसके पहले के टॉपिक्स हमने जितने भी कवर किए वो आप स्टडी कर सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप इसे लाइक करिए। अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी ज़रूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।